हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और नए फोन से ये मेरा पहला ब्लॉग है और आज सैटरडे है। डुगू स्कूल गया है क्योंकि आज का सैटरडे उसका वर्किंग था। बैंगलोर में इतनी बारिश हो रही है, मैं इतना परेशान हो गई हूँ लिटरली, मैं क्या ही बताऊँ। मैं सबसे पहले ना आपको बारिश दिखाती हूँ और तब अपनी सारी प्रॉब्लम वन बाय वन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। लास्ट 4-5 दिनों से बैंगलोर का यही हाल है, ऑल टाइम बारिश बारिश एंड बारिश। फोकस कर लो यार, फोकस ही नहीं कर रहा है मेरा कैमरा। अब फोकस किया, मैंने बाहर निकाला इसे। तो जैसा कि आपको पता है, फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली आने वाली है। सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है। और कल क्या हुआ ना, आप देखो मेरा सोफा बिल्कुल खाली दिख रहा होगा, मैंने सारा सोफा कवर वॉश कर दिया है। और बारिश ऐसी लगी, उधर 3 दिन बारिश हुई और कल धूप निकला था, ये देख के मैंने ये सब वॉश कर दिए। और अब मैं पूरे घर में, ये देखो कपड़े ही कपड़े दिख रहे होंगे, तो प्लीज इग्नोर करना। और मैं लास्ट कुछ ब्लॉग से आप लोगों से बोल रही थी कि कहीं जाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि दिवाली में तो हम यहीं रहते, लेकिन छठ में जाना था। छठ मैं ही करती हूँ, एक साल ही करा है, क्योंकि छठ के साथ ना बहुत कंडीशन होता है। अगर आपका पूरा साल हैप्पीली गया है तभी आप छठ करोगे, तो इस साल हमें छठ करना था। लेकिन एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है, क्या है मैं आप लोगों को आराम से बैठ के बताऊंगी। तो इस वजह से गाँव जाना तो 90% मतलब बनारस जाते हैं, वो तो कैंसिल ही हो गया है। मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई है फैमिली के अंदर, क्या ही बोलूँ मैं, दिमाग पूरा ख़राब हो गया है। मतलब त्यौहार हटाओ, उन सब चीज़ों को बाद में बोलते हैं। वैसे आज है 19 अक्टूबर और कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ की तो मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की हो, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ऐसा न्यूज़ ही आ गया कि दिमाग बहुत ख़राब हो गया है। कोई घर पर आने वाला भी है, बहुत अर्जेंटली है, तो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। तो कल क्या हुआ ना, हस्बैंड जब ऑफिस से आया ना तो बोले कि एटलीस्ट तुम साड़ी ले लो। तो कल मैं गई रात के 10 बजे एक साड़ी लेकर आ गई, मतलब सोची कल पहनने के लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। और टेलर को बहुत इंसिस्ट करके दे दिया है, उन्होंने बोला है कि वो करवा चौथ वाले दिन ही शायद, मतलब कल रात को मैंने उनको दिया है और आज 19 तारीख है, 20 तारीख को दोपहर तक वो दे देंगे। तो मैं होप करती हूँ कि दे देंगे, तो मैं पहन लूँगी। ऐसे तो और ज़्यादा कुछ भी तैयारी नहीं की हूँ। और घर जाना था यार, इतनी एक्साइटेड थी ना कि सबसे मिलूंगी, मज़ा आएगा, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। कुछ तो मैंने स्टार्ट कर दी थी पर अब सब एकदम छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि बहुत दिमाग खराब हो रहा है। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, तो अभी भी क्या हुआ। तो वैसे आप ना मेरे बैकग्राउंड को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि चारों तरफ बस आपको कपड़े 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 ही दिखेंगे, और जिसका मैं कुछ नहीं कर सकती। बेबी भी नहा के आ गई। बेबी से हाय। 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 बेबी रो रही थी क्योंकि पापा जब भी नहलाते तो बेबी को रोना आता है ना। डुगू स्कूल गया है, अभी हस्बैंड लेकर आएंगे। तो आज मैंने ना दोनों वॉशरूम क्लीन किया, और ऐसा मौसम ना मुझे बहुत बेकार लगता है। पूजा वगैरह भी मेरा हो गया है, देखो वहाँ पे दिया भी जल रहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि आज सैटरडे है तो मैं खिचड़ी ही बना लेती, खिचड़ी बनाऊंगी। और ब्रेकफास्ट भी हमने नहीं किया, चाय वगैरह हमारा हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि फ्रूट्स कट कर लेती हूँ, वही खा लेते हैं, और डायरेक्ट खिचड़ी चोखा पापड़ वापड़ ऐसे कुछ कुछ कर लेते हैं। क्योंकि अभी ना हस्बैंड ने ही बेबी को भी नहलाया, क्योंकि मुझे वॉशरूम क्लीन करना था तो मैंने बेबी को नहीं नहलाया। अभी वो नहाने गए हैं, फिर वो डुगू को स्कूल से लेने के लिए जाएंगे। वो काफ़ी लेट भी हो गया है, मैं बता दूँ 11:30 हो गया है, और अभी तक मैं सिर्फ और सिर्फ चाय पी हूँ। और एक बार और मैं चाय पीऊँगी, क्योंकि ना हेयर वॉश करके नहाओ ना और मेरे पूरा ना ये बैग गीला हो गया बालों से, जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ हो ही जाता है। पूजा का भी कोई सामान नहीं ली हूँ, तो मे बी अब क्या बोलूँ यार, मौसम ऐसा हो गया, लेकिन पूजा का सामान आज लूँगी या फिर कल। मैं अगर अपना ब्लाउज लेने जाऊँगी ना तो कल भी ले लूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पास में ही मिलता है। आज हस्बैंड के एक फ्रेंड आने वाला, मतलब नेहा आने वाली है, तो देखो मौसम ऐसा है तो मे बी वो लोग कैंसिल कर दे, बट फिलहाल तो है कि वो लोग आएंगे, इवनिंग तक आएंगे, तो अच्छा लगेगा। पहली बार वो आ रही है बेबी को लेके, तो मैं बहुत खुश हूँ। फिलहाल खाना वाना बनाते हैं। और यार पता है कल मम्मी से बात हुआ, मम्मी इतनी दुखी हो गई ना, क्योंकि मैं अपने मायके जा ही नहीं पाती, 2-3 साल हो जाते हैं नहीं जा पाती हूँ। तो जब भी बनारस जाती हूँ ना तब भी मतलब मम्मी से भी मिल पाती हूँ, तो मम्मी भी कल सुनी कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो बहुत उसको दुख हुआ। और क्या ही बोलूँ, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली हमारे घर कोई आने वाला था, बट उनकी मतलब हस्बैंड ही टिकट करा रहे थे, टिकट में कोई प्रॉब्लम आया, तो देखिए वो लोग कब आते हैं। ये खाना बना के मिलते हैं। तो खाना मैंने बना लिया है, और जैसा कि बताया था कि आज शनिवार है तो खिचड़ी ही बनाया। डुगू भी स्कूल से आ गया है, यहाँ पर खाना लग गया है। मैंने बनाया खिचड़ी, चोखा भी बनाया है, पापड़ तला है, भिंडी का भुजिया भी बनाया है, और मिर्च भी तला है। और जब से डुगू आया है स्कूल से, बेबी भैया का जैकेट पहन के बैठी है। बेबी कैसा है खिचड़ी, टेल मी कैसा है टेस्ट? से अच्छा है, टेस्टी। अभी उसका मन नहीं है, इतरा रही। और डुगू भी यहाँ पे खा रहा है आधे कपड़ों में। आपको दी हूँ ना, लो। कैसा है जी? बहुत अच्छा।
हाँ काफी दिनों बाद ही बनाए तो चलते हैं, मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी भूख लगी वैसे। तो अभी किचन का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई हूँ, और थोड़ा सा ना मैं बाहर भी जाना चाहती हूँ, मुझे ना मेहंदी लगवानी है, तो मैं इतने सारे काम हैं, बच्चे हैं, तो रात में ही हल्का सा कुछ भी लगा लूँगी। वैसे लास्ट टाइम मैं तीजा में सोची थी ना कि अंकिता से मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन फिर हो नहीं पाया, और आज भी शायद हो नहीं पाएगा, क्योंकि बताया था ना कि हस्बैंड के फ्रेंड आने वाले हैं और नेहा आने वाली है, तो अदरवाइज ना मैं अभी अंकिता को फ़ोन करती, अगर वो फ्री होती तो या तो मैं ही चली जाती या फिर उसको बुला लेती, मेहंदी लगवा लेती, पर कोई ना, ठीक है। और मेरे हेयर ना पूरे गीले हैं, अभी तक सूखे नहीं है। तो हाँ, मैंने आप लोगों से बोला था ना कि मुझे आप लोगों को कुछ अर्जेंट बताना है, कि आप लोगों को पता है कि मैंने बताया था कि हम लोग घर जाने वाले हैं, तो दिवाली पे तो मैं नहीं जाती, दिवाली पे हम यहीं पे ही रहते, लेकिन उसके बाद हम लोगों में छठ होता है, छठ में हम लोग जाने वाले थे, और हमारी टिकट्स भी हो गई थी पूरे, मतलब हम लोग एकदम फाइनल था डेट, हम लोग 1 नवंबर को निकलने वाले थे, लेकिन हुआ यूँ कि सडनली ना दशहरा के सुबह में ससुर जी मेरे हॉस्पिटल गए थे, ऐसे ही जस्ट फॉर रूटीन चेकअप है ना, कि 2-3 महीने पहले ना मेरे ससुर जी जो हैं वो उन्होंने ना कुछ चेकअप वगैरह कराया था, तो कुछ उनको प्रॉब्लम हुई थी, मतलब छोटा मोटा वो एक कुछ मतलब लाइक ऑपरेशन ही था, बट बहुत ही माइनर सा था, तो उसी के रिगार्ड में वो हॉस्पिटल गए थे। जब वहाँ पे रायपुर गए थे तो उनका था कि वो बस उसी दिन करके 1-2 घंटे में उनको डिस्चार्ज कर देते, तो बोले कि उसके लिए यहाँ क्या आना, पहले तो बैंगलोर का ही प्लान था, लेकिन फिर उन्होंने वहीं पे रायपुर का सोचा कि छोटा मोटा है और अभी दिवाली पे घर भी जाना है। हाँ बेबी जाओ, पापा को कपड़े दे दिए। उसके बाद हुआ ही हूँ कि जब वो रायपुर गए, वहाँ पे मतलब ऑपरेशन से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरी होती है, तो उसमें चेकअप वगैरह हुआ, तो उस चेकअप में ऐसा कुछ उनको हार्ट से रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम डिडक्ट हुआ, तो डॉक्टर ने वो जो पहले ऑपरेशन करना था उसको करने से मना कर दिया, और बोला कि मतलब पहले आप हार्ट का कुछ एक ब्लॉकेज वगैरह का इशू, उन्होंने ऐसा बताया है बट अभी वो श्योर नहीं है। तो फिर हम लोगों ने पापा से बोला कि आप वहाँ से डिस्चार्ज होके ट्रीटमेंट ख़त्म कर दो, आप अपने सारे रिपोर्ट्स लेकर बैंगलोर आ जाओ, हम यहीं पे 40s में दिखाएंगे, सारा कन्फर्म करेंगे कि एक्चुअल में इशू क्या है, और उसके बाद फर्दर यहीं से स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट, क्योंकि हम भी ना हार्ट की बात थी तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो इस वजह से आप जाओ मम्मा बात। तो वो सुन के मतलब इतना रोना आया, इतनी मतलब कि थोड़ा सा फैमिली में कुछ भी हो जाता ना तो एक धक से इतना नेगेटिव लगता ना, और यार मैं ना मतलब हॉस्पिटल बीमारी को लेके इतना डरती हूँ। लास्ट 2022 में मेरी सासू माँ यहीं पे आई हुई थी जब वो बीमार पड़ी थी, और वो 3-4 महीने जो मेरे निकले हैं, ओह माय गॉड, मतलब बेबी हुई थी मेरे सी सेक्शन से, मुझे भी आराम करना था, लेकिन मेरे सी सेक्शन होने के 15 दिन बाद ही मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। हालाँकि उस समय मैंने कोई वीडियोज़ ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं करा था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, मतलब लिटरली ना वो बहुत बैड सिचुएशन में थी, हमने तो सोचा ही नहीं था कि फिर हमारी फैमिली कभी टुगेदर हो पाएगी और सब हम सब एकदम हैप्पीली रह पाएंगे, पर टच वुड मतलब भगवान की भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। टच वुड अभी सासू माँ एकदम मस्त है, बढ़िया है, और हमने फिर दिवाली भी सेलिब्रेट किया था, और मैंने मन्नत भी करा था, तो घर पर हमने पूजा भी कराई थी रुद्राभिषेक की, आपने देखा होगा ब्लॉग में, वो मेरी सासू माँ बीमार थी तो मैंने ही मन्नत करा था कि सब कुछ बढ़िया रहा तो मैं करूँगी, और भोलेनाथ ने सच में यार इतना ट्रीटमेंट कराया, लेकिन जैसे ही भोलेनाथ को मतलब प्रे किया ना मतलब वो ठीक हो गई, तो मैं तो मानती हूँ कि भोलेनाथ ने ही उनको ठीक किया। तो फिलहाल यही है कि ससुर जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनका टिकट वगैरह अभी कराना है, आजकल में हम करा देंगे, और हो सकता है कि इस अपकमिंग वीक में मतलब ट्यूसडे या वेनसडे तक वो आ भी जाएंगे। तो फिलहाल जो भी पहले के प्लान थे, वो जितने भी प्लान थे वो तो साइड हटा दो, कि मतलब अभी बैक टू बैक इतने फेस्टिवल होते हैं, पूरे साल हम फेस्टिवल का वेट करते हैं, स्पेशली मैं, क्योंकि हम अपने घर से इतना दूर रहते हैं ना, तो वो एक फेस्टिवल ही होता है जिसके बहाने हम जाते हैं, अपनों से मिल पाते हैं, तो वो ना जाने का जो दुख है वो तो बहुत छोटी सी बात है, बट ये जो फैमिली में नई प्रॉब्लम आई है, इतना बुरा लग रहा था ना, क्योंकि यार पता है मेरी फैमिली ना बहुत छोटी है, और इसमें किसी को भी कुछ भी होता है ना, इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सब कुछ, पहले वो आए यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह आए, अगर कुछ भी इशू होता है तो हम फटाफट उनका ऑपरेशन मतलब जो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट एकदम फटाफट से स्टार्ट कर देंगे। तो फिलहाल तो हम घर नहीं जा रहे, मे बी अब छठ भी हम इस बार ना कर पाए,
वैसे इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है क्योंकि पूरे साल के फेस्टिवल में छठ मेरा और मेरी फैमिली का, स्पेशली मेरे हस्बैंड को, मुझे छठ इतना पसंद है ना कि सारे फेस्टिवल एक तरफ और छठ की वाइब्स एक तरफ। तो आई थिंक इस बार छठ ना हो, दिवाली तक देखते हैं। दिवाली में तो ऑब्वियसली पापा लोग यहीं पे रहेंगे तो दिवाली साथ में सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सिचुएशन क्या होने वाला है कुछ भी पता नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो यही बहुत बड़ा बैड न्यूज़ है। सास ससुर आने वाले हैं, मतलब अभी उनकी टिकट नहीं हुई, आजकल में हो जाएगी। पहले पापा अपनी छुट्टियाँ और अपने थोड़े से डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करा लें। तो मैंने सोचा कि तो यही बेबी है, तो यही प्रॉब्लम है। इसलिए मैं हर ब्लॉग में बोल रही थी ना कि बहुत सारी तैयारी करनी है, घर जाना है। इतनी एक्साइटेड थी ना कि मतलब क्या ही बोलूँ। मम्मी भी सुनी तो उसको बहुत बुरा लगा, बट क्या ही कर सकते हैं। तो मैं क्या होता है ना, कैमरे में ना अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती हूँ, मेरी आदत नहीं है, मैं उस टाइप की पर्सन नहीं हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ये फेज ना मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें इसलिए भी रिकॉर्ड करती हूँ ना, क्योंकि मैं एक मेमोरी बना रही हूँ, तो मोमेंट मैं कैप्चर करूँ जो बाद में देख के मुझे हंसी आए, बहुत अच्छा लगे। तो इसलिए मैं अपना सैड फेज थोड़ा सा साइड ही रखती हूँ। इसीलिए बोला जाता है ना कि पहले से कुछ भी सोच के मत रखो। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, पर ऊपर वाला और सिचुएशन, मतलब ऊपर वाला कुछ और ही सोच के रखा है। तो मे बी ये सही टाइम नहीं था सेलिब्रेट करने का, छठ मनाने का। लास्ट हम लोगों ने 2021 में छठ सेलिब्रेट किया था, 22 में भी नहीं हुआ था, 23 में भी नहीं हुआ था। इस बार हमने सोचा कि होगा, बट तो इस बार भी 90% मान के चलो कि नहीं ही होगा। बाकी अगर 10% में कुछ मिरेकल थिंग्स हो जाता है तो वी डोंट नो, आगे मैं ज़रूर अपडेट करूँगी। तो जैसा कि मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ तो मुझे लगा कि ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर कर देनी चाहिए। बाकी आप नेगेटिविटी को साइड रखो, अच्छी बात ये है कि मतलब मम्मी पापा आ रहे हैं तो उन लोगों से मिलना होगा बहुत दिनों बाद। वैसे तो फैब में हम लोग गए थे अभी कोरबा, लेकिन फिर भी जब फैमिली आती है तो थोड़ा मज़ा तो आता है। स्पेशली बच्चों को बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे भी अच्छा लगता है गप्पे मारने में, क्योंकि हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं, डुग्गू स्कूल चला जाता है, तो मैं घर पर बोर ही होती हूँ। हालांकि काम होता है बट ऐसे कोई बात करने वाला नहीं होता, तो मज़ा आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उन लोगों को भी ब्लॉग में इन्वॉल्व करूँ, हालांकि वो लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं, पर अगर होंगे तो मैं ज़रूर करूँगी। तो आगे कुछ भी अपडेट होता है, वैसे कल करवा चौथ है तो मैं एडवांस में आप लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी को। हालाँकि ये वीडियो कब जाएगा मैं नहीं जानती हूँ, देखती हूँ आज मैं मेहंदी लगा पाती हूँ कि नहीं। साड़ी तो मैंने बताया ही है कि मैं ले ली हूँ, और अभी मैं बाहर भी जाने वाली हूँ, कुछ काम है। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को बहुत बड़ा ना करूँ और यहीं पे एंड करती हूँ। तो यही न्यूज़ था जो कि मैं बहुत सोची कि आप लोगों को बताऊँ नहीं बताऊँ, फिर लगा नहीं यार बता ही देती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली जैसे हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। और ये देख लो मेरे नेल पेंट्स, कभी नहीं, अभी रिसेंटली मैंने नेल पेंट्स लगाए थे ना, तो जब मैंने सुना ना, मैं पता नहीं ना, मुझे ना लिटरली ना इतना बुरा लगा ना, लेकिन फिर मैंने सब, मतलब मैं अंदर से बहुत डरी हुई, बहुत निगेटिव होती हूँ, पर मैं सामने में सबको बोलती कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, ये वो। हालांकि ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं वही प्रॉब्लम है, यहाँ आने के बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी। और ये था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। फिलहाल मैं बाहर जाऊँगी, मे बी कुछ तो नहीं, बट सोच रही हूँ मेहंदी का कूपन लेकर आऊँ, और थोड़ा बहुत तो शगुन वाली मेहंदी लगा ही लूँगी। कुछ छोटे मोटे चीज़ लेनी है वो भी ले लेंगे, और करवा चौथ से रिलेटेड सामान मैं सोच रही हूँ मैं कल लूँगी, पूजा से रिलेटेड, और जो भी चूड़ी वगैरह भी कुछ नहीं ली हूँ। फिर हम चले गए थे मार्केट में, और मार्केट में तो आज करवा चौथ की इतनी धूम थी ना, जगह जगह मेहंदी लग रही थी, सारा करवा चौथ से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही थी, मतलब एक अलग ही वाइब्स थी। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा शॉपिंग करने गए थे, क्योंकि नेहा का बेबी फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रहा था, तो मैं सोची कि उसके लिए कुछ ले लेती हूँ। और उसके बाद हस्बैंड ने बोला कि अब तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा मेहंदी लगाने का, तो तुम भी लगा लो। तो मैंने भी सोचा कि चलो, फर्स्ट टाइम मैं वैसे लगा रही थी, वैसे ये लोग बहुत चार्ज कर रहे थे, लेकिन मैं सोची कि मेरे पास समय भी नहीं है और जस्ट फॉर एक्सपीरियंस के लिए लगा लेना चाहिए। तो मैंने हल्का सा सिंपल वाला डिज़ाइन लगवाया, क्योंकि बेबी उतने टाइम तक हस्बैंड के साथ रहती नहीं, मतलब चुपचाप नहीं रहती, और वैसे भी मुझे मतलब ज़्यादा देर इससे मैं रख भी नहीं पाऊँगी, मुझे आगे चल के पानी ही लगाना है। तो इस वजह से मैंने क्या किया ना कि मैंने सबसे सिंपल एकदम सोवर सा डिज़ाइन चूज़ किया, और 15-20 मिनट में मेरा बन भी गया था। सिंपल है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। नहीं, मेरा ऊपर नीचे थोड़ा सा हो गया, चलो चलते हैं। ठीक है, चलो ओके, पूजा का सामान कर लेते हैं। ठीक है, जैसा करो सर, क्योंकि बोलो कि आप अभी इसको थोड़ा सा ऊपर में दो। तो मेहंदी लगा के मैं घर आ गई हूँ, और मेहंदी को मैंने पानी से वॉश भी कर लिया है, क्योंकि
जैसे ही मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना, बेबी जरूर आती है, कहीं भी रहती है। हाँ, बेबी ने भी मेहंदी लगाया है, तो पता नहीं मेहंदी का कलर आएगा कि नहीं। और वो लोग इतना चार्ज कर रहे थे यार, बस इतने सा का। मैंने बोला पीछे में कुछ कर दो, तो देखो उन्होंने क्या किया। सॉरी मैं दिखा नहीं पा रही, ये देखो बस थोड़ा सा। और इसका उन्होंने 500 चार्ज किया है। और ऐसा है कि बच्चों के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो मैंने अभी शाम की आरती करी हूँ, तो मैंने इसको वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाई। और चाय अभी नहीं बनाई हूँ क्योंकि नेहा आ रही है, तो मैंने सोचा कि चलो इकट्ठे ही चाय बनाएंगे। और ना आज बाहर बारिश हो रही है, तो मेरा मन कर रहा है ना मैं पकौड़े बनाऊँ। तो मैं उसी समय इस वीडियो को एंड कर दी थी, पर फिर मुझे लगा ना कि नहीं कंटिन्यू करते हैं, इसी में अपने मेहंदी को भी दिखाते हैं। तो ये देख लो मेहंदी मेरी बिल्कुल सिमिलर ही लगी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसका जो ये गोला है ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मैंने भैया को भी बोला, और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से ना मेहंदी लगवाई हूँ। और ऐसा डिज़ाइन तो मैं लगा भी लेती हूँ, पर जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, हर तरह का एक्सपीरियंस लेना चाहिए, होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने लगवा लिया है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, किचन तो बिल्कुल ऑल सेट है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं आज बनाऊँ प्याज के पकौड़े, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि नेहा थोड़ा पहले आएगी, बट अभी तक वो आई नहीं है। एक्चुअली उन लोगों के एरिया में भी ना बहुत बारिश हो रहा था, 7 बज गया है, मे बी वो लोग 7:30 तक रंग लाती है। कोई कोई मेहंदी ऐसी भी होती है ना कि पानी टच कर लो। और पहली बार मैंने मेहंदी में ना हस्बैंड का नाम मेंशन कराया है। मैं ये काम नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे याद ही नहीं आता है। वो भैया ने ही एक्चुअली मतलब बोला कि मैं नाम मेंशन कर दूँ, तो मुझे याद आ गया। तो इस वजह से चाय भी मैं भी नहीं पीऊँ। डुबू आपको मिल्क दे दूँ बेटा? मैंने पकौड़े का ये मसाला तैयार किया है, और साथ में मैंने चटनी भी बनाई है। और हस्बैंड यहाँ पर कर रहे हैं सब्जी बनाने की तैयारी। कौन सी सब्जी बना रहे हो? पनीर की सब्जी। जब दिमाग नहीं लगाना हो तो पनीर बना दो इंडियन हाउस में, होता है कि नहीं होता है? एंड कैसा लग रहा है आपको नए फोन से रिकॉर्ड होते हुए? हाउ इज योर फील? मेरी फील है, बता आपको कैसा लग रहा है रिकॉर्ड करने में? मुझे तो थोड़ा सा अनसुटेबल लग रहा है, क्योंकि ना मैं छोटे स्क्रीन के साथ थोड़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ, तो ये मेरे को लिटिल बिट थोड़ा सा अनकंफर्ट फिलहाल लग रहा है, फील कर रहा है। प्रैक्टिस हो जाएगा। और पता नहीं लोग 1.5 घंटे से कहाँ फंसे हुए, अभी तक नहीं आए। 6 बजे बोला था कि वो लोग आ रहे हैं, और हम लोग बालकनी में आ गए। पता नहीं मुझे तो नहीं, कौन सी गाड़ी है? अच्छा हाँ, भैया की स्पीड देख के लग रही, धीरे धीरे चला रहे हैं आराम आराम से। पता नहीं कैमरा फोकस ही नहीं करता जब इसको फोकस करना चाहिए। वो जो गाड़ी टर्न होने के लिए एकदम रुकी हुई है वही है। बस अभी मेरा मन कर रहा है मैं गाना गाऊं, देर लगी आने में तुमको। ये आ गए। तो वो लोग आए, उसके बाद मैं कैमरा लगाकर भूल ही गई थी। ये क्लिप पता है 10 मिनट तक रिकॉर्ड हो गया था, मुझे बहुत देर बाद याद आया कि मैंने कैमरा सेट किया है। और आने के बाद जो बातों का पिटारा स्टार्ट होता है ना, जब भी कोई फ्रेंड्स घर पे आते हैं या हम फ्रेंड्स के घर पे जाते हैं, तो ब्लॉग करना और रिकॉर्ड करना, सच बोलूँ ना तो एकदम मन ही नहीं करता, और समटाइम तो याद भी नहीं रहता है। तो मैंने बहुत कुछ मतलब रिकॉर्ड नहीं किया था, बस हमने यहाँ पे खूब सारे गप्पे मारे, खाना पीना किया, और बारिश हो रही थी। तो मैंने बताया था ना कि मेरा मन है कि मैं आज पकौड़े बनाऊँ, काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने ग्रीन चटनी एंड पकौड़े बनाए थे। तो ये हमने चाय के साथ इंजॉय की, फिर मैंने डिनर बनाया, बहुत ही सिंपल सा ही बनाया था, और बैठ के खूब देर तक खूब सारे गप्पे मारे। हालाँकि नेहा अभी न्यूली मॉम है, तो थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम हो रहा था, बेबी परेशान कर रहा था। और वो लोग आए भी थे लेट, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ना 1.5 घंटे उनको आने में ही लग गए थे, और बारिश की वजह से वो लेट ही निकले थे। भैया अब क्या कर रहे हो? भैया क्या कर रहे हो? सब पूरा साइकिल वाला पे। चलो खुशी खुशी ड्राइवर, रुक जाओ नेहा नहीं गई, भैया कितना खुशी खुशी ड्राइवर बने हुए। नहीं, 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 नहीं।
बाय, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। बेब देखो तो वीडियो बन रहा, रो रहे हो। चलो जाओ जाओ, बंद कर दो। वो लोग भी चले गए और फिर कल तो मेरा फास्ट ही है, तो मिलेंगे कल के करवा चौथ वाले ब्लॉग में। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।